गया, मैं हमारा बड़ा पाव तैयार। ये बड़ा पाव अभी तक मैं बटर वगैरह ये सारी चीजें देख रही थी, यहाँ मुझे देसी घी देखने को मिल गया। अच्छा सेम वैसा ही फील हो रहा है, सेम वही फील हो रहा है जो मुंबई में जैसे मैंने खाया। अच्छा क्रिस्पी 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 चिली पटेटो, नॉर्मल चटनी जैसे मुंबई में होती है। हाँ जी ओके। हाँ जी बड़ा पाव खाना है मुंबई वाला, बिल्कुल वही स्वाद लेना है तो चलिए हम चलते हैं द हंग्री यम्मी पे। अच्छा ये द हंग्री यम्मी कहाँ है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है लाइक बड़ा पाव, पाव भाजी। तो अभी हम हैं विशप के बाहर, ये रहा विशप और हम उसके बाहर हैं और जस्ट सामने अगर आप देखेंगे ना तो इधर ये BSNL ऑफिस पड़ता है, यहाँ पर आपको आना है। और अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो नटराज सिनेमा से पहले ही जो कट लगा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर बनता है मस्त वाला बड़ा पाव। और चलिए हम लोग बड़ा देखिए, बड़ा पाव की भी बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी हैं, क्लासिक बड़ा पाव, मसाला बड़ा पाव, सैंडविच बड़ा पाव, तंदूरी सॉस बड़ा पाव, पनीर बड़ा पाव, चीज़ बड़ा पाव बर्गर, ठीक है। पाव भाजी भी बहुत सारी तरीके की हैं, नूडल्स हैं, बहुत सारे आइटम हैं, इनकी छोटी सी प्यारी सी काट है। तो चलिए चलते हैं और इनसे बनवाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। तो क्या नाम है आपका सर? मैम मेरा नाम अरुण कुमार पाल। अरुण कुमार, क्या क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर? मैम यहाँ पे बड़ा पाव है, पाव भाजी है, बर्गर है, चिली प्लेटर है, मंचूरियन है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज है। अच्छा मुझे ये सुनने में आया एक्चुअली कि आपका जो बड़ा पाव है वो बिल्कुल मुंबई वाला टेस्ट दे रहा है, जैसे लोग मुंबई जैसे वो लोग मुंबई में बड़ा पाव खा के पेट भर लेते हैं। प्लीज आप एक बड़ा पाव लगा दीजिए और आप एक बार फिर से सारे आइटम्स फिर से बता दीजिए। मैम बड़ा पाव है, पाव भाजी है, बर्गर है, चिली प्लेटर है, मंचूरियन है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज है। और ये अपना एरिया भी बता दीजिए प्लीज, अपनी लोकेशन। अपना पड़ता है ये बीआई बाजार पड़ता है, छोटे बिशप के बिल्कुल सामने, छोटे बिशप के सामने के गेट पे। तो चलिए आप हमें बड़ा पाव, हम चलिए इनकी बड़ा पाव की मेकिंग देखते हैं। ये मैम पाव है, ये पाव है, फ्रेश पाव है ना भैया? जी मैम फ्रेश पाव। ओके हम देसी घी में फ्राई करके देखते हैं। देसी घी में सीखते हैं, यहाँ पे देसी घी में फ्राई हो रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। अभी तक मैं बटर वगैरह ये सारी चीजें देख रही थी, यहाँ मुझे देसी घी देखने को मिल गया। हमने लिखवा भी रखा है मेड विद लव इन देसी घी। अच्छा चलिए जी बढ़िया है, तो यहाँ पे देसी घी में बन रहा है बड़ा पाव, ये सबसे अच्छी बात है। अगर क्लासिक लेंगे तो क्लासिक के लिए हम नॉर्मल चटनी जैसे मुंबई में होती है। हाँ जी ओके। तो ये ग्रीन ग्रीन चटनी है जी, ग्रीन चटनी है ये, अपनी नारियल लहसुन की चटनी जो होती है मैम, नारियल और लहसुन की चटनी, ये मैं पहली बार देख रही हूँ नारियल और लहसुन की चटनी। इसमें मैम चार पांच चीज होती है, नारियल होता है, लहसुन होता है, पीनट्स होते हैं, अच्छा मिर्च भी होती है। ओके ये मैम हम बटाटा वड़ा हम लेके आते हैं, वैसे मुंबई में आप देखेंगे तो पूरा गोल होता है। हाँ, पूरा गोल होता है, गोल इंसान जल्दी मतलब वो फ्राई डायरेक्ट करने पड़ते हैं। हाँ हाँ, हाफ फ्राई करके लाते हैं इसलिए मैं आधा चट्टा करके लेके आना पड़ा। ओके ओके, लाइक अ टिक्की, लाइक अ टिक्की। ओके बट टेस्ट मैम सेम वही रहेगा, सेम वही मुंबई वाला टेस्ट रहेगा। चलिए अब ये बड़ा जो है वो, अच्छा बड़ा किस किस चीज का बनता है मैम? बड़ा में तो मैम बहुत सी चीज पड़ती है, लहसुन मिर्च का ढेचा होता है, ढेचा ढेचा बोलते हैं मैम मुंबई में, आप जाएंगे तो उसे ढेचा ही बोलेंगे। लहसुन और मिर्च को पीस के वो भी सिलबट्टे में पीसा जाता है, उसको ढेचा बोलते हैं। और इसमें काफी हींग वगैरह बहुत सी मसाले वगैरह पड़ते हैं, फिर उसको आलू के मिक्सचर में मिला दिया जाता है। ओके ओके ओके, तो ये लहसुन वगैरह का जो भी रहता है हींग वगैरह का मिक्सचर, उसको हम आलू में मिक्स आलू में मिक्स करते हैं। ओके, और बहुत सफाई से बनाते हैं, देखिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से लगी हुई है, ऐसा नहीं कि आपको गंदगी देखने को मिलेगी। ओके ये हो गया मैम हमारा बड़ा पाव तैयार, ये बड़ा पाव हमारा रेडी हो चुका है वाकई में बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और अभी हमने बनवाई है ये मस्त सी पाव भाजी, तो इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। A1
और ये आ गए हैं चिली पटेटो क्रिस्पी क्रिस्पी चिली पटेटो। और यहाँ पर एक भैया खा रहे हैं, तो भैया आपको ये यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली मुंबई जाता गया था। बहुत जो वहाँ का टेस्ट है और यहाँ का टेस्ट है बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करा कि बरेली में अपने आसपास में, तो वहाँ मुझे ऐसा कहीं आसपास में टेस्ट नहीं मिला, यहाँ पे बेटर है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा सेम वैसा ही फील हो रहा है? सेम वही फील हो रहा है जो मुंबई में जैसे मैंने खाया। अच्छा, तो जैसा इन्होंने मुंबई में खाया था वैसा ही इनको। बड़ा पाव भी भैया का बहुत बढ़िया है, बड़ा पाव भी बहुत बढ़िया। ओके, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, और मैंने भी टेस्ट कर लिया है, वाकई में बहुत टेस्टी है। और लोकेशन मैंने आपको बता दी है, सामने आपका नटराज सिनेमा है, एक बार आइए। और यहाँ तो यहाँ पर द हंग्री टमी पर आप आइए और आपको बेस्ट बड़ा पाव मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।